नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। उज्जैन, पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला और एडिशनल एसपी इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीडा के आदेश अनुसार आईपीएल सट्टे में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के आदेश के बाद शहर में लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आईपीएस विनोद कुमार मीणा ने अपनी टीम के साथ आईपीएल में आज लखनऊ और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चल रहे मैच के दौरान हर बाल हर चौके छक्के पर लग रहे सट्टे को मुखबिर की सूचना पर मेट्रो टॉकीज के पीछे की गली से 10 लाख नकद और सट्टा उपकरणों के साथ आईपीएल मैच के सट्टेबाजों को धर दबोचा, जिसके बाद थाना कोतवाली के बाहर सत्ता पक्ष के लोग भी जमा होकर कार्रवाई न करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन आईपीएस विनोद कुमार मीणा और उनकी टीम ने दबाव से ऊपर उठकर तीनों सटोरियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक 350 रूपेश बिड़वान, प्रधान आरक्षक 36 कृपा शंकर सूर्यवंशी, आरक्षक 308 कपिल राठौर, आरक्षक 1200 अंकित सिंह चौहान, आरक्षक 27 बलराम सिंह गुर्जर, महिला आरक्षक किरण की सराहनीय भूमिका रही। जिन पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, 10 लाख के नगद केस के साथ आईपीएल का सट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया आरोपियों को, क्या पूरा मामला कैसा है? कल हमको एक मुखबिर सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर मिलन टॉकीज के सामने जो गली है वहाँ पे कुछ लोग अवैध आईपीएल सट्टे का कार्य कर रहे हैं। सूचना की हमने तस्दीक करी, उसके बाद हमें एक घर मिला जहाँ पे इसके संचालित करने की संभावना थी, तो वहाँ पर हमने तत्काल रेड डाली और रेड डालने पर जब हमने घर की तस्दीक करी तो वहाँ पर भारी मात्रा में हमको मोबाइल मिले जिन पर सट्टा संचालित किया जा रहा था, किताबें मिली जिन पर सट्टों का लेन देन चल रहा था। इसके अलावा फिर और सर्चिंग करने के बाद हमको वहाँ पर नगद 10 लाख रुपये के आसपास कैश मिला, हमने उसको सीज़ किया। साथ ही एक LED TV भी हमने सीज़ की है इसके अंदर, 6 मोबाइल सीज़ किए हैं इसके अंदर और उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। सर, IPL चल रहा है, सट्टेधारी एक्टिव हैं, उनको लेकर आगे भविष्य में क्या कार्रवाई रहेगी? मेरा यही कहना है कि जो भी अवैध IPL सट्टे का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्णतः रूप से अवैध है, तो इन पे भविष्य में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो कृपया करके ऐसे अवैध कार्य ना करें। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।